एकदम टॉप पर आ गए हैं और बहुत ठंडी है यहाँ पे। आज हमारा डे टू है गुलमर्ग में और ये जो व्यू है स्नो और पाइन ट्रीज का, इसके साथ हमारी गुड मॉर्निंग हुई है और व्यू इट्स रियली सुपर ऑसम। आज हम लोग जाने वाले हैं गंडोला केबल कार राइड और एक्टिविटीज के लिए, इसलिए मैं रेडी हो गई हूँ और अभी हम लोग पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर निकलेंगे। सो लेट्स गो। हम लोग रेडी हो गए हैं, ब्रेकफास्ट हो गया है तो निकलते हैं गंडोला राइड के लिए और एक्टिविटीज भी करनी है। हमने जो कल जैकेट और शूज लिए थे रेंट पे वो हमने पहन लिए अच्छे से, तो चलो। हमारा जो होटल है हेवन रिट्रीट, वहाँ से हार्डली 5 to 10 minutes वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो हम लोग वॉक करके जा रहे हैं क्योंकि साथ में हम लोग ये व्यू भी इंजॉय कर पाएंगे। हमने हॉल्ट लिया है यहाँ पे, चारों तरफ स्नो है तो सोचा थोड़ा फोटो शूट कर लेते हैं फिर निकलेंगे। पाइन कोन पहुंच गए हैं गुलमर्ग गंडोला। ये है फेज वन की एंट्री और यहाँ पे स्लॉट होता है, हमने लिया 9 to 11 का स्लॉट मॉर्निंग का। के लिए हमने ऑनलाइन बुकिंग किया था। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको जाना होता है jkcablecar.payu.in पे। वहाँ पे आपको दो रूट्स मिलेंगे, फर्स्ट फेज के लिए होगा गुलमर्ग टू कंडनडोरी और सेकेंड फेज के लिए होगा कंडनडोरी टू अफरवाट। इसके बाद फेज वन राइड के लिए आपको डेट और टाइम सेलेक्ट करना है। टाइम में आपको 3 स्लॉट मिलते हैं। मॉर्निंग स्लॉट चालू होता है 9 to 11, हमने यही स्लॉट बुक किया था क्योंकि इसमें कंपैरेटिवली कम रश होता है। हर स्लॉट में अराउंड 1000 टिकट्स अवेलेबल होते हैं, तो आप लोग जब सेलेक्ट करेंगे कोई भी स्लॉट तो आप देख सकते हैं कितने टिकट्स सभी बचे हैं। इसके बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको नेशनैलिटी सेलेक्ट करना है और उसके बाद विजिटर डिटेल्स ऐड करना है। विजिटर डिटेल में आपको नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना होगा और करस्पॉन्डिंग उसका अमाउंट अपने आप ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। विजिटर डिटेल्स ऐड करने के बाद आपको प्रोसीड टू पे करना है।
आपके साथ जो भी राइड करेगा उसका डिटेल आपको एड विजिटर में जाके फिल करना होगा, क्योंकि जो टिकट है वो इंडिविजुअली सबके लिए जनरेट होता है। पेमेंट करने के बाद ई टिकट आपको मेल पे आ जाएगा। फेज़ टू टिकट बुक करने के लिए आपको मैंडेटरी फेज़ वन का टिकट होना चाहिए, क्योंकि जो फेज़ वन का एंड पॉइंट है वो ही पिकअप पॉइंट है फेज़ टू के लिए। तो अगर आपके पास फेज़ वन का टिकट नहीं है तो फेज़ टू आप लोग नहीं जा पाएंगे। इसलिए जब आप लोग फेज़ टू का टिकट बुक करते हैं ऑफिशियल साइट से, तो वहाँ पर आपको मैसेज भी आता है कि आपने पहले से गुलमार्ग टू कंडनडोरी टिकट बुक किया है कि नहीं। और अगर आप लोग कंफर्म करते हैं फिर वो आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता है, जहाँ पे आपको विजिटर डिटेल्स ऐड करने होते हैं, जैसे आपने फेज़ वन के लिए किया था। फेज़ वन टिकट के लिए प्राइस था 740 रुपीज़ और फेज़ टू टिकट का प्राइस है 950 रुपीज़। निकल गए हैं फेज वन राइड के लिए और हमारे साथ है जहरी, हमारे गाइड है। हम लोग बहुत एक्साइटेड है। अगर आप जैसे कपल्स में आते हैं और आपको वीडियो शूट कराना है कपल का या फोटो शूट कराना है, तो उसके लिए गाइड तो लगेगा। तो हम आपको इनका फोन नंबर भी मेंशन कर देंगे वीडियो में, तो आप वो लोग चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। 9797845279। जो फेज वन है वो है गुलमार्ग टू कंडनडोरी और ये 10,500 फीट पे है, और जो सेकंड फेज है वो अराउंड 14,000 फीट पे है, और वो आपको लेकर जाता है कंडनडोरी से आफरवाट। तो लेट्स गो। Look at the view. Full snow से covered है चारों तरफ, कहीं पर भी देख लो full pine trees. और वो क्या है? हट टाइप है वो। लोग रहते हैं शेफर्ड और लोग भेड़ बकरी वाले लोग समर टाइम में यहाँ पे रहते हैं, विंटर में नीचे गांव में चले जाते हैं। अच्छा जी। ये दो चार पाँच महीने 15 मई से आ जाते हैं और सितंबर तक रहते हैं यहाँ। मई से सितंबर। जी जी। हमने जहाँ से फेज वन राइड चालू किया था वहाँ पे अराउंड 7,500 फीट से वो स्टार्ट होती है और ये अप टू जाएगी 10,500 फीट तक, तो हमारा फेज वन कवर होगा। अभी हम लोग करने वाले हैं स्लेज राइड। भैया मेरे को चढ़ पाएंगे? हाँ क्यों नहीं चढ़ पाएंगे, आराम से चढ़ पाएंगे। और स्लेज से हम लोग जाने वाले हैं स्नो बाइक पॉइंट तक। आप चाहे तो वॉक करके भी जा सकते हैं, बट स्नो की वजह से काफ़ी स्लिपरी है और थोड़ा स्टीप एरिया भी है बीच पे, तो हमने सोचा क्यों ना स्लेज से जाया जाए। सामने ये हमारे गाइड हैं जो हमारा शूट ले रहे हैं, और पर पर्सन स्लेज के लिए हमने पे किया है 1,000 रुपीज़ स्नो बाइक पॉइंट तक जाने के लिए। ये लोग स्लेज से कुछ और पॉइंट्स भी कवर करते हैं, बट हमें स्नो बाइक करना था तो इसलिए हम लोग वहाँ तक जा रहे हैं। और ये नेगोशिएबल होता है अमाउंट, आप लोग अगर जाते हैं तो नेगोशिएट करना मत भूलना।
हम लोग गए थे स्लेज से स्नो बाइक पॉइंट पे और वहाँ पे हमने किया स्नो बाइकिंग। बहुत ही औसम एक्सपीरियंस रहा, मज़ा आ गया। आप चाहो तो स्कीइंग भी कर सकते हो। स्कीइंग हमने लास्ट टाइम मनाली में किया था तो इस बार नहीं किया। और जब आप स्लेज से जाते हैं तो आप लोग वो हाइट पे भी लेकर जा सकते हैं अगर आपको जाना है दूर तक, तो कुछ और पॉइंट्स भी कवर कराते हैं। बट हम ज़्यादा हाइट तक नहीं गए। फिलहाल हम लोग स्लेज से वापस आ गए। जो स्लेज का प्राइस है वो टू एंड फ्रो दोनों होता है, तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर वापस आ गए। और यहाँ से हम लोग जाएंगे फेस टू गंडोला राइड के लिए। तो उससे पहले हम लोग सोच रहे कुछ खा पी लेते हैं, चाय, मैगी, कुछ गरम गरम पकौड़े, देखते हैं क्या क्या लेते हैं। स्लेज का जो चार्जेस होते हैं वो डिफ़र करता है। हमारा जो पर पर्सन चार्ज लगा था वो लगा था 1000 रुपीज़। स्नो बाइक का अलग से चार्जेस होते हैं, एक होती है शॉर्ट राइड, एक होती है लॉन्ग राइड। शॉर्ट राइड के लिए पर पर्सन 1000 रुपीज़ है, और अगर लॉन्ग ड्राइव के लिए अगर आपको स्नो बाइकिंग करनी है तो उसके लिए आपको अराउंड 2000 रुपीज़ पे करना होता है। तो वो हम करके आ गए हैं। और गाइड के लिए भी आपको ज़्यादा पे नहीं करना होता है, लाइक 600-700 ही पे करना होता है। और वो बहुत अच्छे से आपको जगह दिखाता है और कहाँ पे क्या है वो सब बताता है। तो वी वुड रिकमेंड कि अगर आप अच्छा है अगर आप गाइड कर लें, वो फ़ोटोज़ वगैरह खींचने भी आपको हेल्प कर देता है। और जो हमने स्नो बाइकिंग किया था वहाँ पे, जो बंदे लोगों ने हमें स्नो बाइक कराया था उन लोगों ने हमें वीडियो और फ़ोटोशूट में हेल्प किया था। सो इसलिए इस वीडियो में आपको रॉबिन थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। और जो फेस टू है वहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स और वॉशरूम वगैरह नहीं मिलेगा। तो अगर आपको कुछ खाना पीना है या वॉशरूम जाना है तो बेटर है जो फेस वन का एंड है वहाँ पे आप लोग कुछ ले लें। सो चाय और मैगी हम लोग लेने वाले हैं इस व्यू के साथ, विच इज़ वाओ। चाय तो आ गई है, मैगी का वेट कर रहे हैं। बहुत गर्म है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं फेस टू राइट के लिए, लेट्स गो। रेडी फॉर सेकंड फेस राइट। हम लोग काफी ऊपर आ गए एंड इट्स लिटरली क्रेजी। और हमने यहाँ पे देखा सनशाइन पीक, जहाँ पे सूरज की पहली किरण पड़ती है। और जो हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पे अगर आप लोग चाहें तो ट्रैक करके फ्रोजन लेक है वहाँ पे भी जा सकते हैं, बट आना जाना आपको अराउंड 2 आवर्स लगेगा उसमें। फेस टू जाते वक्त हमने देखा चेयर कार राइड भी यहाँ पे होती है, बट अभी वो चालू नहीं है और उसके लिए प्रोफेशनल लोग ही जा सकते हैं। और अगर आपको करनी है वो तो उसके लिए पहले आपको 15 डेज का ट्रेनिंग लेना होगा, क्योंकि वो ओपन है, वो कुछ भी उसमें इस तरह से कांच वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है, वो ओपन में राइड होती है, वो भी फेस टू पे इतनी हाइट पे, विच इज अगेन क्रेजी एडवेंचर टू डू। पहुंच गए फेस टू की जो हमारी डेस्टिनेशन है, और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। चलो नीचे उतर के देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। हम एकदम टॉप पर आ गए और बहुत ठंडी है यहाँ पे। आप मेरे अगर बैक में वो माउंटेन देख पा रहे हैं तो उसके पीछे LOC है, वहाँ तक जाना तो अलाउड भी नहीं है। यहाँ पर एक्टिविटीज़ में आप लोग स्लेज कर सकते हैं और स्कीइंग कर सकते हैं, और इनफैक्ट कुछ लोग फेज वन से फेज टू तक भी स्कीइंग करते हैं बट विद प्रोफेशनल पर्सन। और वहाँ पर है हमारा इंडिया का फ्लैग। टेम्परेचर है अभी -5 डिग्री है, तो इसकी वजह से हम लोग ज़्यादा वॉक भी नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा भी वॉक करते हैं तो हाँफने लगते हैं। हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर बैठेंगे, वेदर को इन्जॉय करेंगे। खाने पीने के हमें यहाँ पर ज़्यादा कुछ दिखा नहीं, बस एक मैगी और चाय वाला है। ठंड की वजह से हम लोग ग्लव्स भी नहीं उतार पा रहे हैं, जैसे ही ग्लव्स उतारते हैं हाथ एकदम फ्रीज हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा शूट भी नहीं किया। सो अभी हम लोग निकल गए हैं फेस टू से, तो हम लोग जाएंगे फेस वन तक, वहाँ से फिर केबल कार से हम लोग पहुँचेंगे अपना मेन पॉइंट तक, जहाँ से हमने राइड चालू की थी, गुलमार्ग पॉइंट। बहुत मज़ा आया, थोड़े थक भी गए बट सीरियसली लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम हमने ये राइड किया है।
हम लोग आ गए हमारे रूम पे गंडोला राइड और एक्टिविटीज करके। अभी सोच रहे कॉफी ली जाए, उसके बाद हम लोग लंच ऑर्डर करेंगे। लंच में है वेज फ्राइड राइस और मंचूरियन। एक्टिविटीज करके मजा आ गया, अभी भूख भी तेज लग रही है। ये इनका इन हाउस कॉफी शॉप है, यहाँ पर केक्स और पेस्ट्रीज भी है। कॉफी शॉप है, काफी बड़ा है और इसका सिट आउट भी काफी अच्छा है। मैंने तो अपना हॉट सीट ढूंढ लिया है। यह है रिक्रिएशन एरिया, यहाँ पे आप लोग पूल खेल सकते हैं। इस प्रॉपर्टी में जो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा है वो ये है, प्रॉपर्टी में हर जगह वुडन वर्क किया हुआ है और उसमें कश्मीरी टच भी दिया हुआ है जो इस प्रॉपर्टी का लुक और भी एनहेंस करता है। चलो रॉबिन हो जाए एक गेम, हारना दो तुम्हें ये। प्रॉपर्टी एक्चुअली सेंट्रली हीटेड है, चाहे उनका रेस्टोरेंट हो या कॉफी शॉप्स हो, रिक्रिएशन रूम हो, यहाँ पे आपको लग्जरी कंफर्ट दोनों आप एंजॉय कर सकते हैं। डिनर के लिए अभी हमने फिलहाल में मंगाया है सूप और साथ में है फ्रेंच फ्राइज। सूप में मेरा है टोमेटो सूप और रॉबिन का है चिकन मंचाओ सूप। ठंड है इसलिए सूप हो जाए। सूप अच्छा। फ्रेंड्स अभी हम लोग बस थोड़ा बेड ठीक कर रहे हैं, पूरा मेस्ड अप हो गया है रूम दो दिन से, और हम लोग कल गुलमर्ग से चेकआउट करेंगे। सो हमारा दो दिन का स्टे था, बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस रहा गुलमर्ग में हमारा। हमने सारी डिटेल्स दे दी है आपको गंडोला राइड के लिए, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। The next day. गुलमर्ग में जहाँ पे हमने स्टे किया है हेवन रिट्रीट में, वहाँ पे हम लोग मिले हैं डॉक्टर मनीष अग्रवाल से। तो ये हमें फॉलो करते हैं हमारे ट्रैवलहॉलिक रॉबिन चैनल पे। इज अ वेरी गुड ब्लॉगर, उनसे काफी इन्फॉर्मेशन मिलता है। लोगों ने चेकआउट कर दिया है हमारे होटल से हेवन रिट्रीट। हमारा ओवरऑल स्टे बहुत अच्छा रहा, हमने बहुत इन्जॉय किया। लोकेशन, हॉस्पिटैलिटी, सर्विस, एवरीथिंग वाज 10/10। खाना भी इनका काफ़ी अच्छा था। और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं श्रीनगर। वहाँ पर हम लोग स्टे करेंगे और श्रीनगर को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ से जो गंडोला राइड के लिए जाते हैं तो यहाँ से जस्ट 10 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो उसके लिए आपको अलग से कैब वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोग वॉक करना पसंद करते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको लोकल कैब भी इजीली मिल जाती है, गाइड भी इजीली मिल जाता है, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अगर आप लोग फर्स्ट टाइम भी आते हैं। सो निकलते हैं यहाँ से, लेट्स गो।